वेलकम टू इदनित। घर गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया रेड बटन दबाकर, ये फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो खीर। इसके लिए हमें चाहिए दूध, मैंगो पल्प, पिसे हुए बादाम, चीनी, गार्निशिंग के लिए बादाम, इलायची पाउडर व चावल का पेस्ट। हम यहाँ पर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 लीटर गाय का दूध लिया है, इसे मैंने पहले उबाल लिया था तो जो इसमें मलाई है उसे भी मैंने निकाला नहीं है। अब हम इसे फिर से बॉईल करेंगे। दूध उबल गया है तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 इलायची पीस ली हैं, इसे हम डाल लेंगे। अब हम दूध में ये चावल का पेस्ट डाल लेंगे। चावल का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल पानी में डिप कर दिए और आधे घंटे के बाद मैंने इसमें से पानी निकाल लिया और चावलों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। चावल ग्राइंड करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डाल सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए मीडियम से तेज आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसे लगातार चलाना होगा, नहीं तो लम्प्स बन जाएंगे और खीर टेस्टी नहीं बनेगी। चावल का पेस्ट डालने के बाद खीर पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। खीर गाढ़ी हो गई है और अब तक चावल भी पक गए हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी ली है। अगर आप तेज़ चीनी पसंद करते हो तो आप 1 कप चीनी लें। अब हम इसमें पिसे हुए बादाम डाल लेंगे। 1 मुट्ठी बादाम 2 से 4 घंटे के लिए पानी में डिप कर लिया, उसके बाद उनके छिलके निकाल कर ग्राइंडर में थोड़ा सा दूध डाल के उसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अब 5 मिनट के लिए खीर को पका लेंगे ताकि शुगर इसमें मेल्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर लेंगे और खीर को ठंडा होने देंगे। गैस बंद किए हुए 3 घंटे हो गए हैं और ये खीर पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें मैंगो पल्प डाल लेंगे। इन्हें मिक्स कर लें। मैंगो पल्प डालते समय खीर गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। खीर को जल्दी ठंडा करने के लिए आप एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेकर उसमें खीर का बर्तन रख दें। पल्प बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम आम यूज़ किए हैं। आम को अच्छी तरह से धोकर छील लें और इसके एडिबल पार्ट को ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। हमने मैंगो पल्प को खीर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 7 घंटे के बाद ठंडी खीर को फ्रिज से निकाल लें और इसे बादाम से गार्निश करके सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।